वैसे लोग बैठ के मछली उछली मारते हैं, कटिया लगाते हैं इसे। देखिए यहाँ पे ये बम्बू है, बस एक गित्ता पानी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मेरे गांव के ब्लॉग में। और इस समय मैं हूं अपने गांव के दूसरे एरिया में। आप देख सकते हैं इधर धान के पेड़ नहीं लगे हैं, इधर ज़्यादातर सब्जी का एरिया है। तो आप देख सकते हैं इधर मेरे पीछे एक नदी है, हमारे गांव में एक छोटी सी नदी है और वहाँ पे पुल है। और ये सब सरपुतिया का पेड़ है, ये देख सकते हैं। ये परवर है, ये परवर का पेड़ है। और ये सब सरपुतिया है, ये सब सब्जी है जो कि अभी बहुत छोटा छोटा है, अभी बहुत छोटा छोटा है, तो इस वजह से अभी इसमें फल नहीं आया है। और नदी होने की वजह से ये थोड़ा ऊंचा है और यहाँ पे पानी टिक नहीं पाता है, तो इस वजह से इधर लोग सब्जी का ज़्यादा खेती करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पानी जब उधर से आता है तो होला तोड़ देता है, तो इस वजह से ज़्यादातर खेत इधर वैसे पड़े हैं, इसमें कुछ नहीं। इधर देख सकते हैं पूरा ये जंगल टाइप में सब काश हो जमा है, और इधर भी कुछ बोए हैं, इधर भी सरपुतिया बोए हैं लेकिन सरपुतिया जामा नहीं है। राउंड अप मारे हैं बीच बीच में सुखाने के लिए। और ये लाइन से है जो ये पेड़ है, देख सकते हैं यहाँ पे लोग, ये शायद लौकी का पेड़ है, ये सरपुतिया नहीं है, जो कि ज़्यादातर लोग सरपुतिया ही इधर बोते हैं। तो ये सब खाली ज़मीनें हैं और जंगल टाइप में है, और ये रास्ता जो है नदी की तरफ जाता है। तो मैं चल रहा हूँ, आज आपको दिखाऊंगा अपने गांव की नदी को। तो देखिए ये रोड है, ये रोड है, ये देख सकते हैं ये वाला रोड। और ये इन्हीं जंगलों से ये रोड जाता है। ये जंगल पेड़ नहीं है, काश हैं, कुश हैं, तो गांव के लोग इन्हीं रास्तों से जाते हैं, उस तरफ खेत है सबका। और ये देख सकते हैं कितना खतरनाक है, सब बह गया है, पहले नहीं बहा था लेकिन अब ये जल्दी बह गया। इसी से पूरा पानी आता है तो हमको लगता है कि बह गया। और मैं आ गया एकदम नदी के किनारे, देख सकते हैं ये नदी है, इसमें देख सकते हैं सीपी उपी भी है, सीपी खुला है लेकिन। और देख सकते हैं कितना पानी है, बस एक गित्ता पानी है। सो देखिए एकदम मैं आ गया हूँ नदी के अपने किनारे, देखिए इतना पानी है, इतना लोग बड़े आराम से करीब 1 फुट पानी होगा तो बड़े आराम से चले जाते हैं और अपना उधर खेती करते हैं। इधर तो बकरी भी, भैंस के लिए तो बहुत कम है लेकिन बकरी भी लोग उस पार ले जाते हैं, अपना चराते हैं और चरा के फिर वापस आ जाते हैं। उधर देख सकते हैं एक पुलिया है, पुलिया से लोग उसे बैठ के मछली उछली मारते हैं। तो अभी इस समय तो बारिश का मौसम है, फिर भी अभी ज़्यादा नदी बाढ़ी नहीं है, नहीं तो ये नदी बहुत ज़्यादा बाढ़ जाती है।
तो जब बाढ़ जाती है तब नहीं आ पाते हैं इधर, तब ये रास्ता बंद हो जाता है। तब वो जो मैंने पुल बताया, पुल के रास्ते से लोग आते जाते हैं, और मैं चल रहा हूँ इधर बड़े खतरनाक रास्तों से, ये देखिए, ताकि मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, मैं आ गया। एक देखिए यहाँ पे ये बम्बू है, बम्बू तो वो तो ज़्यादा पानी में है, और ये वाला है कुछ हद तक बढ़िया। तो मैं आ गया हूँ इस बम्बू पे, और व्यू भी बड़ा जोरदार है, सब तरफ ग्रीनरी और नेचर। ये है मेरे गांव की नदी, तो देख सकते हैं इधर साथ एक बम्बू उधर भी है, इसको हम लोग बम्बू कहते हैं, वहाँ भी है। इस पर से लोग बैठ के मछली उछली मारते हैं, कटिया लगाते हैं इसे, और जब गर्मी में सब गांव के छोटे छोटे लड़के आते हैं इसे पर से कूद कूद के नहाते हैं, और यहाँ पे भैंस वैंस अपना नहलाते हैं, तो लोग इंजॉय करते हैं। यहाँ पे एक खूंट था लेकिन वो तो सूखा गया। तो यही है हमारे गांव की सुंदरता, बहुत अच्छा। हाँ हेलो, सो गाइस कैसा लगा मेरे गांव की खूबसूरती, देख सकते हैं इधर नदी और इधर खेत। यहाँ से अब थोड़ा समतल है तो धान वान लगाए हैं, लेकिन यहाँ अभी पानी टिकता नहीं, तो इस वजह से सरपुतिया की खेती लगा दिए हैं, देख सकते हैं सब्जी है सरपुतिया हमारे यहाँ, देख सकते हैं ये लग गया है, एक बड़ा सा है, और यही है सरपुतिया, इसको सब्जी बनाते हैं बेचते हैं। और ये देखिए क्या है, ये दोस्त है, ये जो है हमारे यहाँ पे बड़ा सांढ़ और नीलगाय का प्रकोप है, तो लोग ऐसे इसको धोख कहते हैं, लगा देते हैं ताकि डर जाएं जानवर जंगली ना आए, इस वजह से इसको लगा देते हैं लोग, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैं आ गया इधर ऊपर की साइड में, देख सकते हैं यहाँ फिर धान आ गया, सब धान है, धान में पानी लगाए हैं। तो गाइस ऐसा है मेरे गांव का ये नदी, आप देख सकते हैं इतने पानी है, और ये खूबसूरती, इतना कम पानी है कि सीधे नहीं जा पा रहा है, इधर से पानी जा रहा है और इधर इधर। ये लोग ऐसे बना दिए हैं गोला मछली मारने के लिए, देख सकते हैं इसमें से पानी जा रहा है, और ऐसा उल छुलछ के मछली निकाल लेते हैं, देख सकते हैं पानी काफी साफ भी है। अभी तो महाराज बारिश हो गया था तो थोड़ा सा पानी गंदा आ गया है, नहीं तो इतना साफ पानी रहता है कि आप इसमें देख सकते हैं नीचे सीपी है, मछली है। मैं एक पुराना वीडियो डाला हूँ अपने ने बहुत पहले, तो उसमें एकदम साफ एकदम क्रिस्टल क्लियर था पानी। और उसके बाद रास्ता यही है ऊपर चढ़ने के लिए, देख सकते हैं लोग ऐसे फावड़ा खोद ओद के बना दिए हैं, और यहीं पे सब लोग साइकिल से आते हैं, साइकिल ही खड़ी कर देते हैं, और उसके बाद
उधर जाते हैं अपना खेत में काम वाम करके फिर वापस ऐसे चले आते हैं। यही सब, ये रोड सीधा चला जाता है गांव में। तो यही सा है हमारा गांव, एकदम नेचुरली, एवरीथिंग इज वेरी प्योर। सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।